नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है नींबू का खट्टा मीठा आयुर्वेदिक अचार गरम मसाला डाल के। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। नींबू 2 किलो, सादा नमक 150 ग्राम, अदरक कसी हुई 100 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, तेज पत्ता 5 पत्ते आप ले लीजिए मध्यम आकार के, लौंग 20 लौंग के दाने ले लीजिए, बड़ी इलायची 20, काली मिर्च 25 ग्राम, दालचीनी के 2 टुकड़े 2 इंच के, जीरा साबुत जीरा 4 छोटे चम्मच, पीपली 50 ग्राम, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, हरड़ या हरीती की जिसे कहते हैं 100 ग्राम, चीनी 1/2 किलो या 500 ग्राम, हींग 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने की विधि समझ लेते हैं। पहले इतना पानी उबालिए कि जिसमें सारे नींबू डूब जाएं, और फिर इस खोले हुए पानी में इन नींबुओं को डाल दीजिए। पानी जब एकदम गर्म है, खोला हुआ है, उस समय गर्म पानी में इन सारे नींबुओं को आप डाल दीजिए, और फिर इन्हें ढक कर 1 दिन के लिए रख दीजिए। 1 दिन बाद इन नींबुओं को पानी से निकाल लीजिए और फिर से पानी खौलाइए और इनमें नींबुओं को डाल दीजिए और ढक कर फिर से 1 दिन के लिए रख दीजिए। 2 दिन हमें नींबुओं को खौलते पानी में रखना है। उसके बाद 3रे दिन इन्हें पानी में से निकाल लीजिए और अच्छे से एक साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर एक कपड़े पर इनको फैलाकर धूप में 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद हर एक नींबू के 4 टुकड़े कर लीजिए, एक बड़े बर्तन में निकाल लीजिए उन्हें। अब इसमें इन टुकड़ों में नमक और हींग डालिए और खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। इस अब ये मिला हुआ जो सामग्री है इसको धूप में एक साफ मलमल के कपड़े से ढक कर रख दीजिए 2-3 दिन के लिए। जो कसी भी अदरक है उसको धूप में एक मलमल के कपड़े से ढक कर रखिए 1 दिन, जब तक कि उसका एक्स्ट्रा वाटर ना सूख जाए। तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, 1/2 पीपली, अजवाइन और 1/2 हरड़ को दरदरा पीस लीजिए। अब जो नींबू हमारा 3 दिन धूप दिखाया हुआ है उसमें इस सारे मसाले को मिला लीजिए और जो बची हुई पीपली है और हरड़ है उसको भी मिला लीजिए इसमें। अब इसमें चीनी डालिए, काला नमक डालिए और जो हमने अदरक सुखाई थी उसको डाल दीजिए और खूब अच्छे से इसको मिला लीजिए। ये सारी सामग्री अच्छे से मिलाने के बाद इसे हमें फिर से एक मलमल के कपड़े से ढक कर इसको 3-4 दिन धूप में रखना है और बीच बीच में चलाते रहें हर दिन में 1 बार। इसके बाद हमारा अचार तैयार है। इसको एक साफ बोतल में भर के रख लीजिए। ये अचार जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे बहुत स्वादिष्ट भी हो जाता है और पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ये किसी भी पकौड़े, मठरी, दाल चावल, पूरी, खिचड़ी, कचौड़ी, इन सब के साथ इस अचार का आनंद लिया जा सकता है। बहुत फ़ायदे वाला होता है। पुराना अचार अगर आपके पास है उसको आप ऐसे ही भी खा सकते हैं, या आप उसको एकदम सूख गया हो तो उसको पीस के उसका एक चूरन जैसा बना सकते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।